और बड़ी खबर आपको बता दें कि अर्जेंटीना के वहां फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का बुधवार को 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। मैराडोना के वकील ने भी इस बात की पुष्टि की। आपको बता दें कि मैराडोना को दुनिया के महान फुटबॉलरों में गिना जाता है, उन्हें हैंड ऑफ गॉड के तौर पर भी याद किया जाता है। दरअसल 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने में मैराडोना ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। मैराडोना के निधन पर खेल जगत ने दुख जताया है। मैं आपको बता दूं कि मैराडोना ने दुनिया के महान दिग्गज फुटबॉलर्स को ट्रेन किया है, चाहे मेस्सी को आप जान लीजिए, चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जान लीजिए, क्योंकि इनके साथ काम करने के बाद दुनिया भर के फुटबॉलर्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से इनके जाने के बाद दुनिया के हर एक कोने में फुटबॉल प्रेमी बेहद दुखी हैं, शोक की लहर है। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ, लेकिन इससे पहले ब्रेन सर्जरी के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कुछ दिन पहले ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। बिल्कुल, और मैराडोना का जाना फुटबॉल प्रेमियों के लिए बहुत दुख की खबर है। और 2020 में कई दिग्गज हमारे बीच से गए हैं और इसी बीच ये खबर आना कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर डिएगो मैराडोना अब हमारे बीच नहीं रहे, वाकई शोक की खबर है। और आपको बता दें कि इसी बीच सौरभ गांगुली ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा मेरा हीरो नहीं रहा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने ट्वीट किया मेरा हीरो नहीं रहा, मेरा जीनियस अब हमारे बीच नहीं है, मैंने सिर्फ आपके लिए ही फुटबॉल देखना शुरू किया था। इधर वीरेंद्र सहवाग ने भी मैराडोना के निधन पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा मैराडोना एक महान खिलाड़ी थे, उनके निधन के बारे में सुनकर मुझे दुख हुआ है, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। और आपको बता दें कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया है कि फुटबॉल और खेल जगत ने आज अपना एक महान खिलाड़ी खो दिया, आप हमेशा याद किए जाएंगे। इधर राहुल गांधी ने भी मैराडोना के निधन पर ट्वीट किया। राहुल लिखते हैं मैराडोना एक लेजेंडरी खिलाड़ी थे, वो हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने दिखाया कि फुटबॉल का खेल खूबसूरत क्यों कहा जाता है। और आपको बता दें कि अब आपको हैंड ऑफ गॉड से जुड़ी दिलचस्प बात क्या है वो भी आपको जान लेना जरूरी है। दरअसल हैंड ऑफ गॉड मैराडोना का वह गोल था जो उन्होंने अर्जेंटीना के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 22 जून 1986 के वर्ल्ड कप में किया था, जो काफी फेमस हुआ था। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैराडोना के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, सबसे ज्यादा गोल करने वाले, सबसे अधिक वर्ल्ड कप जिताने वाले, वो कोच रहे हैं, मेंटर रहे हैं, और दुनिया का कोई भी बड़ा फुटबॉलर हो उनसे बिना ट्रेनिंग लिए उसने आज तक बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है। मेसी, रोनाल्डो, ये ऐसे बड़े नाम हैं जिनको मैराडोना ने ट्रेनिंग दी है, उन्हें सिखाया है, और इसी वजह से दुनिया उनके खेल का, उनके व्यवहार का लोहा मानते हैं। हालांकि कई बार वो विवादों में भी रहे, लेकिन उनका खेल उनके लिए ज्यादा बड़ा रहा। बिल्कुल, आपको बता दें कि गेंद को अपने सिर से मारना चाहते थे मैराडोना, लेकिन इसके बजाय गेंद उनके हाथ से लगी और गोलकीपर पीटर शिल्टन को छकाते हुए नेट से जा लगी थी। जिस गोल की हम बात कर रहे हैं, ये गोल काफी फेमस हुआ था। अर्जेंटीना ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली, फ्री हैंड बॉल को मिस कर गए और उस टाइम पर कोई तकनीकी भी नहीं इस्तेमाल की जाती थी जिसके बाद इसका फैसला बदला जा सके। मैच के बाद मैराडोना ने कहा था कि ये गोल उन्होंने कुछ अपने सिर से और कुछ हैंड ऑफ गॉड से किया था। और देखिए तस्वीरें हम उसी गोल की दिखा रहे हैं जिसकी बात अभी हम यहां पर कर रहे थे।